इस्लाम जो है आपको किसी बंद गली में ले जाके खड़ा नहीं करता. डिसीजन मेकिंग इज इटसेल्फ आजमाइश. व्हाई डिसीजन मेकिंग इज सो हार्ड. बाद लोग इससे मायूस भी हो जाते हैं कि हमने तो इससे खराब भी किया था, सब कुछ किया था, तो फिर हम क्यों ऐसे हुए. और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है. इनफैक्ट कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ अलहादी इंटरनेशनल है, इन विच वी इंट्रोड्यूस इस्लाम टू अदर रिलीजन के ऊपर. और इसी की एक कंटिन्यूशन हमने अलहादी स्टूडियो के इसमें की है कि जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं स्पेशली बहुत ही हाईली एजुकेटेड जो पीपल हैं, जो समझते हैं कि इस्लाम में आना इनफैक्ट कोई मौलवीज़म की कोई है, मौलवीज़म में है. तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम इज़ वेरी मॉडर्न, और इस्लाम जो है आपको किसी बंद गली में ले जाके खड़ा नहीं करता, बल्कि वो आपकी तमाम प्रॉब्लम की सोल्यूशन पेश करता है. और इस्लाम में आने से आपकी दुनिया का लॉस भी नहीं होता. आप इस्लाम में जब आते हैं तो आपकी ज़िंदगी और आसान और ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा बाबरकत हो जाती है. तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अगर हम देखते हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो वो साइंटिफिक अप्रोच को पसंद करते थे और वो मॉडर्न, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईली एजुकेटेड, हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे, और वो साइंस को और जो दीन में, जो दीन के दायरेकार में रहते थे मॉडर्निज्म को, वो फैसिलिटेट करते थे. जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो जिंदगी का इवेंट, एक था, इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि डेट्स की ग्राफ्टिंग किया करते थे वहाँ के लोग. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही चलते हुए कह दिया कि शायद इससे, मैं नहीं समझता कोई फ़ायदा हो, कुछ अर्से के बाद जब उसका रिज़ल्ट आया तो पैदावार काफ़ी कम थी. तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंतुम आलमो भी उमूरी दुनिया को, कि दुनिया के मामले में, यानी दुनिया यानी कि साइंस के जो इश्यूज़ हैं या जो आपके दुनियावी मामलात हैं उसमें आप इल्म रखते हैं, आपका इल्म ज़्यादा भी हो सकता है. तो इस ये यानी कि साइंस या मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इस्लाम से कम्पीट नहीं करती है, बल्कि इस्लाम उसको फैसिलिटेट करता है. ठीक है, ये एक्चुअली बात है जो कि हम, और इंशाल्लाह ये हमारी ब्रॉडकास्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगी, हम आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे. और इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो एंटायरली डिफरेंट होंगे, और आपकी जो ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए होंगे. और वो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी बंद गली में ले जाके खड़ा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सोल्यूशन में अलहादी स्टूडियो अपना किरदार अदा करेगा. ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हमने रखा है वो है डिसीजन मेकिंग. ठीक है, हम देखते हैं कि आम जिंदगी में हम लोग मुख्तलिफ डिसीजंस लेते रहते हैं, और इसमें जो है जो इस टॉपिक को कवर करने में जो असिस्ट करेंगे, जो हमारा रोल प्ले करेंगे, वो मेरी बहुत प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स हैं. तो ये जो है अपनी आरा पेश करेंगे, अपनी अपना जो इल्म इन्होंने माशाल्लाह से हासिल किया है, तो उसमें, और फिर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मेरे आते जाएंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत ही इंजॉय भी करेंगे और आप इल्म को इंजॉय करेंगे इनफैक्ट. ठीक है, तो एक्चुअली अच्छा, आप डिसीजन मेकिंग, आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई है क्या डिसीजन मेकिंग की सबसे पहले डेफिनेशन, ताकि लोगों को ईजी हो डिसीजन मेकिंग को एक सिंपल वे में समझ, किस तरह समझें हम. वाओ, ठीक है ना, बिल्कुल. ये देखिए ना, किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए ना, उसका मीनिंग तो पता हो कि डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग ना. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और प्लान फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से डेफिनेशन बनाएं. अच्छा, सेकंड जो मुझे बड़ी अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, तो इनकी डेफिनेशन बहुत प्यारी लगी मुझे कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन
बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, यानी इसके कोई सम क्राइटेरिया, कुछ वैल्यू सिस्टम भी होना चाहिए. तो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. क्या आपके पास कुछ, अब इसको हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं कि मसलन आपके पास, आप जिंदगी में देखिए मुख्तलिफ चीज़ों के डिसीजंस लेते हैं. क्या डिसीजंस लेते हैं हम, यानी कभी हमें कहीं जाना है, एजुकेशन में काफी डिसीजंस लेने होते हैं. इसके अलावा हम अपने रोजमर्रा के कामों में काफी दफा दिन में डिसीजन लेते हैं. बहुत सही भी होते हैं, लेकिन बहुत हमारे जल्दबाजी, हमारे हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश की वजह से बहुत जल्दी फास्ट दुनिया की में है, क्योंकि तो हम हर चीज बहुत जल्दी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने डिसीजन बगैर सोचे समझे बहुत जल्दी लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा बाजार में नुकसान भी उठाते. तो डिसीजन हम देखिए लेते हैं जिंदगी में, हमें लेने पड़ते हैं. कभी हमें एजुकेशन के मामले में लेने पड़ते हैं, कभी जॉब्स के मामले में लेने पड़ते हैं, कभी हमें कोई जाहिर प्रपोजल्स के मामले, स्पाउस सिलेक्शन का मामला है, समटाइम्स शॉपिंग होती है उसमें आप देखें ना कितनी एक होता है मामला के लेने कुछ जाते हैं, लेके कुछ आ रहे होते हैं. इट्स वीक डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये आपकी शो करती है ना. तो डिसीजन समय लेने, ये हमारी डेली, यानी ये एक स्किल है. डिसीजन मेकिंग जो है सीखना एक स्किल है, ये एक मीन है थ्रू विच वी गो टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ना. इसी तरह से ये बहुत बड़ा जो है ना, यानी पावर है. मैं तो समझती हूँ कि जिसको डिसीजन मेकिंग आती हो ना, तो वो बहुत पावरफुल मोमेंट होता है कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस जो है वो ले सकता है. मगर हम ये देखते हैं कि हम नमाज के मामले में, रोजे के मामले में हम लोग अच्छे मोमेंट होते हैं, मगर हम जिंदगी के मामले में हमारे जो डिसीजंस पावर हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं. हालांकि हम वो लोग हैं, मुसलमान हैं, तो हमारी आखरत का सारा दारोमदार है ही हमारे दुनिया के किए हुए डिसीजंस में. ठीक है, अल्लज़ी खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर. तो जैसे जैसे, यानी कि ये क्या देखा जा रहा है कि कौन अच्छा अमल करता है. ठीक है ना, तो डिसीजंस तो हमारे हुए ना, डिसीजन तो हमारा है कि हम अच्छा अमल कर रहे हैं या बुरा अमल कर रहे हैं. ठीक है ना, अपने आमाल नामे का स्क्रिप्ट तो हम खुद लिख रहे हैं ना. वो जो किताब है वो तो, इसकी स्क्रिप्ट तो हम लिख रहे हैं ना, और वो क्या है, वो हमारे किए हुए डिसीजंस हैं. ठीक है ना, और उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम ये कहें कि जी वो तो तकदीर में लिखा हुआ, तो याद होना चाहिए आपको कि तकदीर जामिद भी और तकदीर मौलक भी है. कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड है, और बहुत सारी चीज़ें जो ओपन छोड़ी हैं अल्लाह ताला ने हमारी चॉइस पे, कि हम क्या चूज करते हैं, हाउ टू चूज, व्हाट टू चूज, ठीक है, व्हाट टू डिसाइड. ये सब, ये डिसाइड करना, डिसीजन मेकिंग इज इटसेल्फ आजमाइश. ठीक है, ये हमारी आजमाइश है. इस फेज पे या तो हमारी जन्नत है या हमारी दोज़ख है. ठीक है ना, अगर एक गलत डिसीजन, बाज़ुकात ऐसा होता है कि हमारी कामयाबी एक डिसीजन के फासले पे होती है, एक अच्छे डिसीजन के फासले पे होती है, और बाज़ुकात हमारी जिंदगी की नाकामी किसी एक गलत डिसीजन की वजह से हमारा सारा रुख, सारा जो है ना मोड़ हमारा खत्म हो जाता है, सारी मंजिल हमसे जो है ना वो लूज हो जाती है. ठीक है, तो उस्तादा हमेशा एक क्वेश्चन होता है इनका कि व्हाई डिसीजन मेकिंग इज सो हार्ड. नहीं, इट्स वेरी, इट्स बिकॉज़ हमारा अल्लाह से कनेक्शन काफी लो है, या हम अल्लाह से वो कोई का ताल्लुक नहीं बना पाते. हाँ. जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं होती हमारी जो मामलात को आगे तक देख सकती है. यस, डिसीजन मेकिंग एक्चुअली ये है कि इसमें अल्लाह ताला हमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम देता है कि वो है इस्तखारा और अहले राय से मशवरा. दो चीज़ें डिसीजन मेकिंग में जो है ना, ये बाज़ुकात हार्ड होता है, मगर वो इजी कब होता है कि जब हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, यानी कि इस्तखारा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा टूल हो जाता है. इस्तखारा के साथ ही जो है एक्सपर्ट्स की राय, कंसल्टेशन, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करना, तो ये एक बहुत बड़ा टूल है कि जिससे जो है हमारा जो है ना अल्लाह के साथ एक कनेक्शन जो है ना वो बनता है, और अल्लाह हमें हेल्प आउट करता है. यानी बाज़ुकात हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि हमारे सामने एक मुश्किल मरहला होता है, उसमें डिसाइड करना होता है, और हम फेल हो रहे होते हैं, और आप देखें कि हम उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें. तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इस्तखारा किया जाए. जब भी आपके पास दो या तीन ऑल्टरनेटिव हों,
और आपको कुछ डिसाइड करना है, वेदर इट इज दुनियावी, वेदर इट इज दीन की, कुछ भी अगर आपको डिसाइड करना है तो उसमें आप इस्तखारा करें, नंबर वन. ठीक है, अब मैं इस्तखारा का भी बताती हूँ, इस्तखारा व्हाट इज इस्तखारा. ठीक है, और नंबर टू ये कि आप उसमें जो है एक्सपर्ट्स की कंसल्टेशन जो है ना वो लें, अहले राय का मशवरा लें. अहले राय कौन हो सकता है, एक्सपर्ट कौन, मसलन आर्किटेक्ट, मसलन डॉक्टर, मसलन इंजीनियर, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं. ठीक है, हदीस में आता है कि इस्तखारा करने वाला और मशावरत करने वाला कभी नामुराद नहीं रहता. ठीक है ना, इस्तखारा करना खुशबख्ती और इस्तखारा ना करना बदबख्ती है. ठीक है, और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तखारा की दुआ ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान में कोई आए. तो इस्तखारा, तो डिसीजन मेकिंग में ये एक बहुत पावरफुल जो एलिमेंट हमें अल्लाह की तरफ से जो मिलता है वो है इस्तखारा करना. ठीक है, अब इस्तखारा क्या है, इस्तखारा है रब ताला से मशवरा करना, अपना सारा मामला अल्लाह को सौंप देना. और इसकी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि इसमें दो नफिल आप इस्तखारा की नीयत से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है अल्लाह ताला से आप हाजल अमर पे आप उस काम का नाम भी ले सकते हैं या फिर नीयत कर सकते हैं जब दो दफ़ा वो लफ्ज आएगा कि ये काम अगर मेरे लिए बेहतर है तो वो हो जाए, ना हो तो ना हो, तो वो दूर हो जाएगा अगर आपके हक में बेहतर नहीं होगा, अगर वो करीब हो जाएगा अगर वो आपके हक में बेहतर है. तो इस्तखारा में, अच्छा इस्तखारा खुद किया जाता है. अब इसके मामले में हमारी सोसाइटी में इस कदर जो है ना कन्फ्यूजन्स फैली हुई हैं कि बाज़ा लोगों को समझ ही नहीं आता कि इस्तखारा करना कैसा. इस्तखारा सबसे पहली बात तो खुद किया जाता है और इस्तखारा के बाद कोई ख्वाब नहीं आता. इस्तखारा उसका सबसे ज़बरदस्त होता है जिसका जितना ज़्यादा अल्लाह से कनेक्शन होता है. कि अल्लाह से मशवरा मांग रहे हैं ना, तो जिससे मशवरा मांग रहे हैं तो उसकी बात आपको समझ भी आनी चाहिए और आप भी उसको गाहे बगाहे पुकारते होंगे जबी आपका इस्तखारा कामयाब होगा ना. मोस्टली इस्तखारा में इस तरह भी किया जाता है कि अल्लाह हमें एक सही रास्ता दिखा रहा होता है, लेकिन जो जिस चीज पर हमारा दिल मुतमईन होता है हम कोशिश करते हैं कि चीज उसी तरफ जाए, मामला वैसे ही बने जैसे हम चाह रहे हैं, और हम इसमें खुद को धोखा देते हैं कि नहीं शायद इस्तखारा का जवाब यही है जो हम चाह रहे हैं, जबकि अल्लाह दूसरे रास्ते बना रहा है. अच्छा, कितना ज्यादा होता है ना कि इस्तखारा से खुद ही खुद अज्यूम कर लिया जाता है इस्तखारा जो है ना. और अच्छा बाज़ा तो ये भी तो आपने गौर किया होगा कि लोग कहते हैं ना कि ना जी वो इस्तखारा जो है ना अगर कर लेंगे तो फिर अमल करना पड़ेगा हमें. ये कितना ज्यादा होता है कि यानी वो अपने आप पे ज्यादा. हाँ, बाज़ लोग इस वजह से इस्तखारा करते भी नहीं है कि हमने कर लिया तो फिर हमें करना पड़ जाएगा. यानी आप देखिए कि इसका मतलब है कि आपका ट्रस्ट आप पर अपने ऊपर ज्यादा है, आपका रब पर कोई ट्रस्ट नहीं. यानी इस्तखारा तो जो जैसे का खुशबख्ती है, इस्तखारा अगर आप करेंगे तो आपको अल्लाह ताला बैड चीज़ों से, बुरी खराब चीज़ों से दूर करेगा और अच्छी चीज़ें आपके करीब लेके आएगा. तो इस्तखारा से तो बड़ी कोई कुव्वत हो ही नहीं सकती. ठीक है ना, ठीक है. तो ये है इस्तखारा के मामला जो है ना. अच्छा, अब आप बताएं कि अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने कहा कि हम अहले राय से मशवरा लें, अहले इल्म से मशवरा लें, तो हम एक अच्छा अहले इल्म अपने लिए चूज करना जो हमें बेहतरीन मशवरा दे, ये एक खुद एक डिसीजन मेकिंग. यस राइट. इस मामले में हम क्या करें कि हम एक अच्छा ऐसे सिलेक्ट करें जो हमें बहुत अच्छे से मशवरा दे. ये इसका आंसर ये है कि आप अहले राय या कंसल्टेंट भी वो सिलेक्ट करेंगे जिसका अपना भी अल्लाह से कोई कनेक्शन है. क्योंकि जब वो अल्लाह से करीब होगा तो वो आपको मशवरा भी वैसा ही देगा जो कि अल्लाह से करीब करने वाला है, और वो दीन वाला मशवरा देगा. मतलब आप एक बिल्कुल एक दुनियादार से या कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही जो दीन के ऊपर इतना फॉलो नहीं करता या वैल्यू नहीं करता, तो अगर आप उसको उससे कंसल्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको वो मशवरा दे ही ना जो कि राइट डिसीजन, जो कि राइट आपको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे. क्योंकि ज्यादातर यूथ अपने जो उनका सर्कल होता है, फ्रेंड्स होते हैं, मशवरे के लिए उनकी तरफ जाते हैं और वो मशवरा मोस्टली गलत होता है, हमेशा उनके खिलाफ. ये एक सेल्फ एक डिसीजन है ना कि आप किसको दोस्त बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो है ना कुरान में भी जो आता है कि काश मैंने फुलां को दोस्त ना बनाया, फुरकान में जैसे आता है. ठीक है, या वेलतीला फुलान खलीला, वो जो कुरान में आयत आती है कि एक इंसान, हदीस में आता है ना कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, और वो जो एक हदीस में भी आता है कि अगर
कोई इंसान अगर खुशबू वाले के साथ बैठता है तो उसके अंदर से खुशबू आएगी, अगर लोहार के पास बैठेगा तो उसके अंदर उसका अलग कुछ ना कुछ उसका असर आएगा, ठीक है। तो ये इससे पहले यानी कि आप उससे डिसाइड करने में आप उसके साथ मशावरत करें, आप अपना पीयर प्रेशर देखेंगे, आप अपनी कंपनी देखेंगे कि आपकी कंपनी है कैसे, ये एक खुद एक डिसीजन है कि आप किन को दोस्त बनाते हैं या आप किन से कंसल्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उनसे कंसल्ट करने से पहले ये भी तो देखें कि वो क्या आपको मशवरा देने के काबिल भी हैं या नहीं, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से आप देखें कि अपने एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने डिसाइड योर टाइम कि भाई आप अपने यानी हम देखिए हम कितने हर वक्त मसरूफ रहते हैं और हर वक्त हम जो है ना यही कहते रहते हैं कि हम मसरूफ हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जो है ना हम क्या करें। तो आप देखें कि मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में आने के बाद हमें ये एक डिसीजन लेना चाहिए कि इधर हमारा टाइम जो है वो अल्लाह के लिए है या इधर हमारा टाइम जो है दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये जब हम ये भी हमारा जो है ना शुरू में हमारा डिसाइड हो जाना चाहिए कि दीन, और उसमें सबसे पहले है कि दीन के लिए वक्त निकालना, इस बात है कि ए इब्ने आदम तो अपने आप को मेरी इबादत के लिए फारिग कर ले, तो उसके जवाब में मैं क्या दूंगा तुम्हें, यदि से कुत्ती है दो चीजें, एक तो तेरे दिल को रानाइयों से बख्श दूंगा और तेरी मुफलिसी तेरी पावर्टी का सद्देबाब कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर दो चीजें आएंगी, एक तो तुम्हारा फुकर तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हारे हाथों को मशगूल कर दूंगा, यानी तुम मसरूफ रहोगे और फिर भी तुम्हारे मामला जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अच्छा दोस्त भी अच्छे लोगों से भी मशवरा कर लिया और फिर उसके बाद हमें उसके गलत असरात मतलब कुछ गलत लगने लगा इसमें तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया शिया कि ना आप देखें कि ना अगर आपने कोई जैसे कर लिया तो आप ये देखेंगे कि उसमें पहला स्टेप जो होगा कि आप उसे भी तबलीग करेंगे, आप उसे भी आप यकदम नहीं छोड़ देंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसको भी दीन में लेके आए और इनफॉर्मल वे से कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपकी अटमोस्ट कोशिश के बाद भी अगर आपकी आपका कोई बहुत ही आपकी करीबी दोस्त है और वो दीन में नहीं आ पा रही है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि फिर आप भी उसी के रंग में रंगते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये फ्रेंडशिप का डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप आपकी जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा और हम जो करते हैं आप देखिए हमारी जो माशरती ज़िंदगी है उसमें और हमें क्या डिसीजन लेने होते हैं, हमें मसलन बाज़ार हमें शॉपिंग का मामला होता है, अपनी गैदरिंग्स की चॉइस हम किस तरह की गैदरिंग्स का हिस्सा बने और किस तरह की गैदरिंग को अवॉइड करें, और अगर हम शॉपिंग का देखें उसके तो उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जैसे लेडीज की जिंदगी में भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बच्चों के मामले में, हाँ स्कूल के और रोज कौन सा स्कूल होना चाहिए, रोज के खाने के मामले में हेल्दी खाना होना चाहिए, ठीक है ना। और जो है इसके अलावा पेरेंटिंग के मामला होते हैं कि उसमें बच्चों को हम कैसा मतलब डिसाइड करना पड़ेगा ना कि बच्चों को दुनियादार बना रहे हैं या आखरत ओरिएंटेड बना रहे हैं, तो जब हम आखरत ओरिएंटेड बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें दुनिया को थोड़ा सा शायद लगे कि दाव पे लगाना पड़ेगा ना, लेकिन ये कि आखरत बच जाएगी। तो सारे सारे डिसीजन मेकिंग में हम अपने अंदर कौन से स्किल्स डेवलप करें जो हमें डिसीजन मेकिंग में हमें सबसे पहले रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी फेरी टेल नहीं होनी चाहिए कि आपके अंदर आपको आप आगे तक देख सकें कि क्या चीज उसकी जो उसकी बर्थ है उसको देख सकते हैं। स्पाउस सिलेक्शन में ये मिस्टेक सबसे कॉमन सबसे ज्यादा कॉमन है कि लोग फेरी टेल में कर लेते हैं फिर क्योंकि पेरेंट्स के डिसीजन, इसीलिए आप देखिए ना कि अक्सर बेशतर कामयाब होते हैं स्पाउस सिलेक्शन के मामले में कि वो बहुत आगे तक देख सकते हैं, उनको पता है 50 साल ये शादी चलनी है तो उसमें क्या क्या वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो के होनी जो जिसकी बेस पर एक शादी चलती है,
तो इसीलिए आप देखिए इस्लाम भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता ना कि जो ये लव मैरिजेस और ये खुद से मैरिज कर लेना। तो इसलिए आप देखें कि ये ऐसे स्किल्स, और इसी तरह से आप देखें अगर फैमिली डिसीजन है तो उसमें फैमिली को सबको पार्ट प्ले करना चाहिए, ठीक है। फिर ये कि अपने जो है उसका अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको ऑन भी तो करना चाहिए ना, ठीक है ना। इसको आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैंने ये किया, इसके बाद जिम्मेदारी खुद लेनी है, ठीक है। और फिर कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है या मेरे अंदर, तो मैं इसकी कमिटमेंट के साथ इसको लेके चलूँ, ठीक है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जो आप जिनको जब आप फॉलो करते हैं तो फिर ये है कि उसके बाद है ना आपकी जो है डिसीजन मेकिंग जो है आपकी मजबूत से मजबूत होनी होती चली जाती है। हमने इसमें ये देखा है कि ऐसा नहीं है कि हम एडल्ट हो गए, अब हम बड़े हो गए तो हमारे मामलात में हम डिसीजन मेकिंग में वीक होते जा रहे हैं। बेसिकली बचपन से डिसीजन मेकिंग में वीक हम होते हैं क्योंकि ज्यादातर फैमिलीज में इस तरह होता है कि अभी तुम छोटे हो, पीछे कर दिया जाता है उनसे ना, पूछा जाता है ना, उनको चीजें बताई जाती है, उनको छोटा कह के पीछे कर दिया जाता है, तो वो हमेशा से एक वीक होते हैं हम डिसीजन मेकिंग में। अभी हम हालांकि आप देखिए इस्लाम में मुझे वो वाक्य याद आ रहा है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला, जब वो एक उसमें थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे और उनके बेटे ने, और जब खजूर का के दरख्त के बारे में पूछा था तो नबी करीम, और उसमें सब बड़े बड़े बैठे हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन सा दरख्त, कोई जवाब नहीं दे पाया। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उनके बेटे ने कहा कि मुझे इसका जवाब पता था तो, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतने बड़ों हुए तो उस वक्त अप्रिशिएट किया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा कि अगर आप जवाब दे देते तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती। अब्दुल्ला बिन उमर से तो उन्होंने कहा कि अगर आप जवाब दे देते तो, यानी कि मतलब ये एक गलत बात है कि जो अच्छा, इसीलिए आप देखें बच्चों की में डिसीजन पावर होती नहीं, होती नहीं एग्जैक्टली, और वो कोई डिसाइड कर ही नहीं पा रहे होते, वो फिर इसलिए वो कहते हैं ना वो मम्मी डैडी वाला, कि वो फिर वो मम्मी डैडी ही रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो उनको वो पर्सनैलिटी ऐसे ग्रूम ही नहीं की हुई होती, अपने डिसीजन में ना एक साबित कदमी नहीं होती। हाँ। कि अगर मैं अपने जात के लिए डिसीजन ले रहा हूँ तो हाँ। मुझे यकीन है कि ये ठीक होगा क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ। लेकिन जिनकी डिसीजन पावर काफी लो होती है फिर उन्हें अगर कोई और कोई एडवाइस करे तो वो फौरन उसकी तरफ जाते हैं, फिर कोई और एडवाइस करे तो वो फिर लोगों के उस पे चलते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो अपने तो उनकी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका अपना कोई वैल्यू सिस्टम और उसकी आपको नो हाउ भी हो कि ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। मतलब एक बात है कि स्पाउस के सिलेक्शन में अक्सर लोग कहते हैं कि इस पर, तो आप देखें कि उसमें देखा जाएगा जाहिर दीनदारी। अब दीनदारी क्या है, जाहिर उसमें ये कि दीनदारी के तकवा होना चाहिए, ठीक है ना, अल्लाह का डर होना चाहिए, तौहीद होनी चाहिए। और फिर आपका घर का, हर घर का एक वैल्यू सिस्टम होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एडजस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, या आप जो है खुद भी अगर किसी का पार्ट बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस वैल्यू सिस्टम में हम एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इंसान को पहले एक रैशनल थिंकिंग के साथ जो है ना उसको पूरा प्लान बनाना चाहिए कि इसकी पूरी पॉलिसीज होती है, ठीक है ना, उसकी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब फिर अपने ऑल्टरनेटिव को देखें, भाई मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है, पहले अपने ऑप्शंस की भी नो हाउ होनी चाहिए कि मेरे पास ये ऑप्शन है। अब इसमें कोई हम रख लेते हैं सामने कि कोई चीज हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो अब हम उसमें देखेंगे ना कि भाई ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, ठीक है, तो उस ऑप्शंस में से हमने बेस्ट जो है सेलेक्ट करना। और उसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कितना है, समटाइम्स हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपको टाइम होता है, और वैसे डिसीजन मेकिंग में आपको अपना पूरा टाइम देना चाहिए क्योंकि हदीस में आता है ना कि जल्दी शैतान की तरफ से। तो डिसीजन मेकिंग को बुर्दबारी के साथ और हिल्म और तहम्मुल के साथ जो है ना किसी भी चीज का फैसला करना है तो उसमें जो है ना एक जल्दी नहीं क्रिएट हो जाइए, हैजर्ड लुक नहीं आनी चाहिए, उसमें आप अपना टाइम लें, उसको थोड़ा सा वेट करवाएं। उसका एक जो हर डिसीजन का एक जो है ना एक टाइम होता है जो उसको मखसूस करें, उसके बाद उस पर सोचें, उस पर गौर फिक्र करें, इस्तखारा करें, मशावरत करें, उसके बाद जाके जो है ना उसमें डिसाइड करें कि ये चीज जो है ना इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसमें ये कि आइडेंटिफाइंग गोल कि भाई करना क्या है उसमें अपने, यानी मैं अगर ये चीज लेने जा रही हूँ या मैं मुझे ये डिसाइड करना है तो असल में मेरा गोल क्या है,
मुझे कहाँ तक जाना है। मसलन अगर हम एजुकेशन को डिसाइड कर रहे हैं, एजुकेशन का कुछ हम अगर कर रहे हैं, तो ये तो देखिए कि हमने अचीव क्या करना है, यानी वो जो अचीव करना है वो हमारे सामने होना चाहिए, उसकी एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, फिर हमें डिसीजन लेना और आसान हो जाए। मसलन हमें अगर जन्नत अचीव करनी है, ठीक है, तो वो इसलिए आप देखिए जन्नत की बातें बड़ी हमारी कॉमन है, और कुरान में सबसे ज्यादा जन्नत की बातें, हदीस में सबसे ज्यादा जन्नत की बातें, क्योंकि वो हमारा गोल है, अल्टीमेट गोल है, उसको अचीव करना है। तो जब एक चीज क्लियर पिक्चर सामने होती है ना हमारी, तो उसको उसके बारे में डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब अगर शैतान कभी भी अगर बुलाता है तो हम नहीं आते ना उसकी बातों में, अक्सर बच जाते हैं, और हम आना चाहते भी नहीं है, यानी ये हमारा डिसीजन है कि हम शैतान की बातों में नहीं आना चाहते। अगर आए कभी तो गलती से आ जाए तो वो एक अलग बात है, तो फिर जाहिर है उसके लिए तौबा इस्तिगफार भी है। लेकिन हमारे गोल क्या है कि हमें अल्लाह को राजी करना है और जन्नत में पहुंचना है। तो जिसका ये गोल होगा तो वो जाहिर सी बात है कि फिर उसी के हिसाब से डिसीजन ले, जहां कहीं भी नफ्स उसको बरगलाएगा या शैतान उसको बरगलाएगा, तो उसके बरगलाने में इसलिए नहीं आएगा कि उसको पता है कि फिर मैं अपनी मंजिल से भटक जाऊंगा, ठीक है ना। तो गोल जो आपका है उसकी तरफ आपकी नजर होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में हम सबसे आगे अपने हर डिसीजन में अल्लाह को रखें। बिल्कुल, सबसे पहले हम ये देखें कि क्या मेरे इस डिसीजन से अल्लाह नाराज होता है या राजी होता है, फिर हमारे डिसीजन अपने आप। ये की पॉइंट है आपके किसी भी मामले में, चाहे आप शॉपिंग, आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, आप स्पाउस सिलेक्शन कर रहे हैं, आप एजुकेशन के इसमें जा रहे हैं, आप जॉब में, आपका की पॉइंट है, आप उस पर परख कर, ये कसौटी है कि इस चीज से, इस चीज को लेने से या इस चीज की जिंदगी में लाने से क्या अल्लाह राजी हो जाएगा या नहीं होगा, या बंदे राजी हो जाएंगे। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग का कभी भी नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए कि इससे बंदे राजी हो जाए। अक्सर लोग करते हैं ना दिखावा, रियाकारी, इसी से बाद लोग घर बड़े खूबसूरत बनाते हैं। अच्छा, उस घर में कोई ऐसी रहने वाली मतलब फैसिलिटीज की कमी होती है, वो घर इतना वार्म भी नहीं होता, कंफर्टेबल भी नहीं होता, मगर वो क्या होता, खूबसूरत होता, खाली खूबसूरत हो जाती है। बाजूकात कपड़े बनाते लोग, आप देखे उसी मनपुसात का सारा चक्कर ही वो दुल्हन बाजूकात उसमें कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उसको मतलब एक तरह से इम्पोज किया जा रहा होता है कि ये पहनना है, क्यों, क्योंकि इससे लोग राजी हो जाएंगे। हम बेसिकली सोसाइटी के वैल्यूज पर अपने सारे डिसीजन लेते हैं। हाँ, और ये सबसे रॉन्ग सबसे रॉन्ग डिसीजन, ये इटसेल्फ एक डिसीजन है कि हम सोसाइटी के वैल्यूज ना पर रखते हैं। हमें लेना अपने पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन होता है, लेकिन हम इस उस मामले में भी देखते दूसरों को, और कितनी बड़ी गलती हम करते हैं। यस, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को अवॉइड करना है कि अगर हमने, ठीक है, जवाब भी तो हमें ही देना है ना अपनी जिंदगी का, कबर भी हमारी पर्सनल होगी, लोग तो नहीं असिस्ट करेंगे हमें आके, और आमाल नामे में, और जब माशर में हमसे पूछा जा रहा होगा तो लोग तो असिस्ट करने के लिए नहीं आएंगे ना हमें कि चैलेंज जी, हम आज आपने हमारी वजह से बड़े अच्छे डिसीजन लिए थे, हमारे प्रेशर में आके लिए थे, चैलेंज जी आज हम असिस्ट कर देते, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब ऐसा नहीं होगा तो इस दुनिया में भी हम अल्लाह को, असल टारगेट भी यही है, असल आजमाइश भी है कि हम अल्लाह को तो राजी करें ना, यानी हमारे डिसीजन बेस्ड होने चाहिए कि जिससे हमारा रब राजी हो जाए और हमारी जिंदगी में भी कंफर्ट आ जाए, हमारी जिंदगी भी आसान हो, ठीक है ना, सादा जिंदगी में जाना ईमान के अलावा तीसरा आता, तो वो चीज करिए जिससे रब ताला राजी हो जाए। अच्छा, लोग वैसे भी राजी नहीं होते, ये जो टारगेट है ना, ये वैसे भी हमारा जो है ना हमेशा इनकम्प्लीट ही रहता है अगर आप इस टारगेट को अचीव करने चले भी जाए। अच्छा, एक और चीज जो आपने पूछा था ना कि आप क्या क्या चीजें वो करें, कि उसमें ये कि ना अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसमें ये भी याद रखें कि सब कुछ आइडियल और आपकी मर्जी से नहीं होगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होता है मामला। तो प्लान ए और प्लान बी को सामने रखें, ठीक है। मसलन आप कहीं जा रहे हैं, आपने एक डिसीजन लिया कि हमने आज जाना है कहीं किसी से मिलने जाना है, तो रस्ते में आपका जो है कुछ खराब भी हो सकता है, आपका व्हीकल कोई खराब हो सकता है, आपको देर सवेर भी होनी चाहिए हो सकती है, तो प्लान ए और प्लान बी को जो है सामने रखे, कोई सडन कोई आपके सामने कोई मसला आ सकता है तो उसमें ना बिल्कुल आप ना इरिटेट ना हो, कि बाज़ूकात अल्लाह की तरफ से आपके कोई रुकावट होती है तो वो समझ जाए कि वो फिर आपके लिए बेहतर नहीं होती, हर चीज को परफेक्ट करना। हाँ, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में नथिंग इज परफेक्ट ना, ऑल इज नॉट परफेक्ट ना, उसमें कुछ इम्परफेक्शन रहेगी, ठीक है ना। तो इसको बाज़ूकात हम बेसब्रे हो जाते हैं, बाज़ूकात हम जो है ना इसी वजह से परेशान भी हो जाते हैं कि हम जो चीज चाह रहे थे ना वैसे नहीं हो रहा। तो ये दुनिया तो अल्लाह ताला की है ना, इस पे असल तो जो फैसले चलेंगे रब ताला के चलेंगे, और उसमें कामयाब भी बढ़ जाएगा कि डिसीजन मेकिंग रब ताला के डिसीजन के
साथ कुछ कुछ मैच करती है तो उसमें बंदा है मोमिन कामयाब भी वही होगा। फिर आप सिलेक्शन जब आप कर रहे होते ना ऑर्डिनरी से उसमें बेस्ट सिलेक्शन ले जाए, ये चीजें हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, कि उस पे से जो है ना डिसाइड करना है कि क्या जो है ना हमारा क्या उसमें से, यानी वर्स्ट को नहीं लेके आएंगे, ठीक है, बेस्ट चीजों को सामने रखेंगे, वर्स्ट को खुद ही रिमूव करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप ये कि आपके पास जो रिसोर्सेज है ना वो आप यूज करेंगे, कि आपके पास मसलन बाजू का तो आपका मिलने मिलाने का मामला है, आपके पास टाइम नहीं है तो आपके पास फोन मौजूद है, ठीक है, ये आपका रिसोर्स है ना, तो आप हो सकता है कहीं मुबारकबाद देनी है, डिसाइड करना है आपको, या आपको किसी जगह पे मिलने जाना जरूरी है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस रिसोर्स को यूज करें और फोन करके भी वो काम आप कर सकते हैं। बाज़ वक़्त हमने अपने ऊपर जबरदस्त किस्म के मुश्किल बोझ डाले हुए होते हैं जो हम उसको जिसको हम कवर नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से हमारी जिंदगी और मुश्किल होती चली जाती है। रिसोर्सेज को यूज करें, बाज़ वक़्त हम हर चीज हम खुद नहीं कर सकते तो हम खिदमत ले रहे हैं, जिस स्किल को हम अब समझते हैं कि हम इतने परफेक्ट नहीं है तो उस स्किल से कोई अगर और परफेक्ट है उससे वो फायदा उठा लें, उससे क्या होगा कि हमारी जिंदगी का डिसीजन और कामयाब होता चला जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अपने सारे डिसीजंस में हम एक दफा पॉज लेके हम ये देख लें कि ये इसमें कितने नुकसान है और कितने फायदे हैं, जिसमें फायदे ज्यादा हम उसको अवेल कर लें और जिसमें नुकसान ज्यादा उससे बचने की कोशिश करें, ये सबसे इजी वे है। और ये है कि उसमें जो है ना अपने अपने दिल से भी पूछें, आप अपने दिमाग से भी पूछें, आपकी जो पहली जैसे आपने बताया था ना कि पहली जो आपकी चॉइस जो पहला आपके दिल में जो एक आता है ना, तो आपको पता है कि आपके साथ एक करीन है और एक फरिश्ता है, तो वो दोनों शैतान भी तो वसवसा डालता है और एक आपका करीन होता है या एक फरिश्ता होता है, तो आप उस लेवल पे आए कि उस चीज को उसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करें, ये शैतान की तरफ से वसवसा है। इंशाल्लाह एक हम रखेंगे जो हम इन चीजों को अलग से एड्रेस भी करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना समझने के लिए कि हम कम अज कम इतने एबल होने चाहिए कि शैतान के वसवसे और फरिश्ते के मशवरे को समझ सके, तो वो जो है ना मशवरा और वो जो वसवसा है तो अगर हम वो समझने के काबिल हो जाएंगे तो हमें डिसीजन मेक करने में हमें आसान करेगा, और वो जब समझ हमें ज्यादा बेहतर रहेंगे जब हम अपने फर्स्ट थॉट पर बिलीव फर्स्ट थॉट पर क्योंकि फिर उसके बाद जो थॉट्स होते हैं वो फिर वसवसे होते हैं शैतान के वसवसे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी राह बता के दिखाई थी कि ये और ये यूं टेढ़ी राह बना के कि ये जो है शैतान की रास्ते, ठीक है ना, तो वो जो आपको क्लियर कट यानी ये भी एक क्लू हो सकता है ना कि आपको जो क्लियर कट सामने एक सिंपल सा वे नजर आ रहा है उसको आप फॉलो करें वो ज्यादा सही है, वो समझ जाए। जरूरी नहीं हमारा फर्स्ट थॉट हमेशा दुरुस्त नहीं हाँ, लेकिन नहीं। अपने आप को गलतियां करने का भी मौका देना चाहिए ताकि अगर हम एक बार दो बार हमारे फर्स्ट थॉट गलत होगा तो हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम जब खुद को परफेक्शन पे रखते हैं कि हमने फर्स्ट डिसीजन ही या हमने हमारी फर्स्ट थॉट ही बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए या नुकसान पहुंच जाए तो सम आपके ऐसे होते हैं जो आपको और कुछ नहीं मगर एक्सपीरियंस देके जाते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है ना। फेलियर भी तो एक्सपीरियंस होता है भाई, फेल हो गए तो क्या हुआ है कि एक्सपीरियंस तो हुआ ना कि फेल कैसे होते हैं, फेल होने वालों का एक दिल कैसे दुखता होगा, हमेशा आप ही होते हैं, तो फेलियर भी एक एक्सपीरियंस है, आपको दुख का गम का एक एक्सपीरियंस होता है, और बल्कि बातों का तब अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाते हैं और आपको दूसरों की फीलिंग्स आप जज्बात और एहसास और हमदर्दी के मामले में थोड़े नरम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाज़ूकात आपके डिसीजन गलत भी होंगे, मतलब ज़ाहिर है आप परफेक्ट तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपने इसके लिए सीख लिया तो अब हमेशा आप कामयाब रहेंगे, कभी आपके शायद गलत भी हो, क्योंकि दुनिया अल्लाह की है तो अल्लाह के डिसीजन इस दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि आप अच्छा जब कभी आपको लगे ना कि फेलियर हो रहा है तो उस वक्त एक और चीज आपको करनी है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अस्तग़फार और जैसे कुछ गलत हो जाता है तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, इस्तखारा तो किया था ना, फिर मतलब सारा इल्जाम अल्लाह की तरफ डाल रहे होते हैं जैसे। अच्छा ये अल्लाह से बदनामी है, वाकई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि ऐसा होता है बातों का, शादियों के बाद ऐसा होता है, शादी में जरा सी भी कोई आजमाइश आ जाए ना तो उनका पॉइंट इस पर इस्तखारा तो किया था,
इस्तखारा के बाद तो क्या ये तो नहीं है कि जिसने इस्तखारा किया तो उसकी जिंदगी में अल्लाह ने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि उसकी जिंदगी में कभी कोई आजमाइश नहीं आएगी। जैसे मैरिज लाइफ में जो ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बाद लोग एजुकेशन के मामले में होता है कि हमने तो इस्तखारा करके ये किया था तो हमारा ऐसे हो गया। तो देखे ना ये अल्लाह से बदगुमानी भी होती है ना कि हम ये कहें कि ना कि देखें अगर आप किसी भी मैरिड लाइफ में देखें तो ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि ना जिंदगी में कभी किसी की कोई आजमाइश ना आई। तो आजमाइश का आना जो है वो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्तखारा आपका गलत हुआ था। इस्तखारा आपका स्टिल सही था मगर आजमाइश आई है तो आजमाइश और बाद वक्त आपके अपने हाथों की कार्रवाई भी होती है, आपके अपने कारनामे होते हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कोई यानी आपने एक चीज तो अच्छी कर ली, इस्तखारा चले अच्छा कर लिया। अब उसके बाद आपने अगर आप स्पाउस हैं तो आपको वो भी तो फॉलो करने जो खुतबा निकाह वाला लेक्चर उसको भी तो फॉलो करना है ना, यानी आपने अच्छा अच्छे स्पाउस बन के दिखाना है, अच्छा कपल बन के दिखाना है, ठीक है ना। तो इस्तखारा ही खाली थोड़ी होता है, उसके बाद अच्छा कपल बन के दिखाना है और भी तो अपना बेस्ट देते नहीं हाँ। और अपने डिसीजन पर ब्लेमिंग करते ब्लेमिंग करते यस। तो ये रविश जो है ये बारम ये गलत नहीं है अभी। अच्छा फिर और जो चीज जो मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि एक और चीज की गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, डिसीजन मेकर जो होता है ना उसको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए कि उस वो फोकस है। यानी बाज़ूकत क्या होता है कि हम एक चीज का डिसाइड तो कर लेते हैं मगर बीच में और बहुत सारी चीजें डाल रहे होते हैं, अच्छा चलो ये भी करके देख लेते हैं, अच्छा ये तजुर्बा करके देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा डिसीजन कमजोर होता चला जाता है। तो आप अपने गोल पर फोकस रहने की जरूरत है, गोल ओरिएंटेड होने की जरूरत है कि हमने अब इसमें मिसाल मसलन ये कि आपने कोई किसी जगह पे अगर जाना है या किसी चीज के लिए आपने मतलब एक तय कर लिया। अभी मैं आगे ये भी आपको थोड़ा कि मसलन ऐसा होता है ना बाजू का कि हमने वैसे तो दावत कबूल करना इस्लाम में जो है पसंदीदा भी है और फर्ज भी है लेकिन हर दावत तो कबूल नहीं की जाएगी। अब आपने एक डिसाइड किया है कि जी हम बिद्दत वाली दावत में नहीं जाएंगे, ठीक है आपने एक फैसला लिया। अब की करीबी किसी रिश्ते की किसी रिश्तेदार की अगर आ गई तो आप फिर अगर कहेंगे कि इसमें चले जाएंगे तो आप फिर इसका मतलब गोल ओरिएंटेड देंगे, आपके अंदर फिर एक और चीज की कमी कमिटमेंट की भी कमी है। तो डिसीजन मेकर ऐसा नहीं होता, उसकी कमिटमेंट होती है और वो गोल ओरिएंटेड होता है, गोल पर फोकस रखता है कि मेरा गोल ये है कि मैंने बिद्दत से बचना ही बचना है, मैंने गलत काम की तरफ नहीं जाना, मैंने गलत महफिल की तरफ नहीं जाना। तो फिर उस पर जो है फोकस होने की जरूरत है, ये नहीं कि हर दूसरे दिन हम अपना जो है मामला चेंज करते चले जाएं। फिर जब लोग और शैतान ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम अपने डिसीजन में वीक हैं तो फिर बहुत जल्दी हमें अल्लाह से दूर कर देते हैं, इन्हीं चीजों में लगा हाँ। देते हैं और फिर हम अपने हर अमल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हाँ। ये एक पॉइंट है। अच्छा बहुत तहम्मुल और कूल माइंडेड होके जो है ना इंसान को डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये जो है ना ऐसा अमल नहीं है कि आप कहें कि फौरी तौर पे जो है ना हो जाए। और फिर ये कि 24 आवर्स की ट्रेनिंग भी है, यानी मैंने ये देखा है कि 24 आवर्स और ये आपकी आजमाइश भी है कि क्या आप डिसाइड करते हैं और क्या आप डिसाइड नहीं करते। तो उस्ताद अगर इसमें हम लाइक कूल माइंड होकर हम और एक पॉज लेकर फिर हम सोचते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बहुत क्विक डिसीजन लेना होता है तो हम क्विक डिसीजन कैसे लें कि वो हमारे हक में बेहतर भी हाँ। एक लम्हा होता है जिसमें हमें कोई डिसीजन लेना, उसमें पता है क्या आप है ना मुझे अक्सर लोग मैंने ये देखा है कि आप है ना अल्लाह से दुआ मांगना शुरू हो जाए, यानी फौरी तौर पर जो है ना मैंने देखा अल्लाह ताला मदद अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है जस्ट आप दुआ पढ़ना ही शुरू हो जाए इस्तखारा की आप दुआ पढ़ना। और मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है वाकई आपकी 100% बात सही है कि बाद वक्त आपको कोई डिसीजन लेना होता है ये या ये हाँ या ना, ठीक है ना। उस वक्त आपके पास हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे आप फौरी तौर पर नफिल ना पढ़ सके हो, तो उस वक्त जो है ना आप सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कि अल्लाह ताला, और सिर्फ यही इस्तखारा की नहीं आप सिर्फ इतनी ही दुआ मांग लें कि अल्लाह ताला मुझे गलत चीज से बचा ले, मेरी मदद कर। मैंने देखा है कि इसमें फिर ना आपको दुआ हेल्प करती है और दुआ के साथ फिर जाहिर सी बात है फरिश्ता आपको हेल्प आउट करता है और फरिश्ता आपको सही मशवरा देता है, फिर आपका दिल मजबूत हो जाता है।
आप एक डिसीजन ले पाते हैं। और ये सारी बात अल्लाह से कुर्ब की है, क्योंकि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो बिल्कुल माइंड माफ हो जाता है। हाँ। हमें खुद नहीं समझ आ रहा था हम बोल क्या रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं। अपने हम खुद ही हवासों में नहीं होते जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। उस वक्त डिसीजन लेते वक्त अल्लाह याद आना भी तो एक वो है, याद किसको आता है। हाँ, ये बिल्कुल आप देखें कि ना, यानी बालोकात तो लोग है ना, यानी और स्पेशली जब मैं अक्सर देखती हूँ लोग बालोकात इतने कट ऑफ हो जाते हैं रिलीजन से कि वो भूल जाते हैं कि हमारा मतलब अल्लाह से भी ताल्लुक है और अल्लाह हमारे सारे आमाल को देख रहे हैं। अल्लाह की टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो वो भूल जाते हैं इस बात को और वो अपनी मर्जी की जो है ना चीज़ें कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे होते हैं। और फिर वो गलत एक डिसीजन के बाद, अच्छा मैंने एक और चीज़ देखी कि आप जब एक गलत डिसीजन लेते हैं ना तो दूसरा भी समटाइम गलत डिसीजन के, मतलब ये भी मुझे लगता है चेन है। एक गलत डिसीजन दूसरे गलत डिसीजन को जैसे ऐसा लगता है कि वो ऑफर करती है, उसको बुलाती है।